हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विशाल साठे। निशोथ पे पहले भी हमने एक वीडियो किया हुआ है, निशोथ भाग एक। उसमें हम लोगों ने आपको निशोथ, नीली निशोथ की पहचान करवाई थी। ये एपिसोड दो है, निशोथ भाग दो, जिसमें हम निशोथ के फ़ायदे देखेंगे। निशोथ तीन प्रकार की होती है और तीनों ही निशोथ के फ़ायदे एक जैसे ही होते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे ज़्यादा गुणकारी सफ़ेद निशोथ होती है, उसके बाद ये नीली निशोथ जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, और उसके बाद लाल निशोथ। वैसे तो इसके पंचांग का उपयोग होता है, लेकिन इसकी जो जड़ है और बीज है वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तीनों ही निशोथ का जो स्वभाव होता है वो उष्णवीर्य होता है, यानी कि वो गर्म स्वभाव की होती हैं। इसलिए वो पैरालिसिस में और नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स में एक बहुत ही उत्तम औषधि है। निशोथ के पंचांग को सरसों के तेल में जलाया जाता है, इससे एक बहुत ही गर्म तेल बनता है, उससे पैरालिसिस के मरीज़ की मालिश की जाती है। पैरालिसिस के पेशेंट को निशोथ के पंचांग का अगर पाउडर खिलाया जाए तो फ़ायदा होता है, लेकिन ये आयुर्वेदाचार्य के परामर्श से ही करें। जिनको अर्थराइटिस है या हाथ पैर में, जोड़ों में दर्द है, चलने में दिक्कत आती है, निशोथ ऐसे में भी बहुत ही कारगर ढंग से काम करता है। क्योंकि ये उष्णवीर्य है, इसलिए कफजन्य जो रोग है इसमें भी इसका अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। निशोथ कीटाणुनाशक भी है, इसलिए पेट के जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि जलोदर है या फिर बवासीर है, इन सारे प्रॉब्लम्स में भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। निशोथ के ज़्यादा सेवन से आपको उल्टी हो सकती है या फिर आपको दस्त भी लग सकते हैं। ये पर्गेटिव नहीं है, यानी कि दस्तावर नहीं है, लेकिन ये लैक्सेटिव है, यानी विरेचक, यानी कि ये इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक दस्त नहीं लगते हैं, लेकिन इससे पेट साफ हो जाता है। निशोथ मेंटल प्रॉब्लम्स में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है, जैसे कि पागलपन, उन्माद, मिर्गी का प्रॉब्लम, या फिर जिनको डिप्रेशन है, जो खिन्न प्रवृत्ति के हैं, जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स में भी निशोथ बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जैसे कि मैंने बताया, निशोथ बहुत ही गर्म होता है, तो अगर आप प्रेग्नेंट हो तो इसका सेवन ना करें। निशोथ को यूजुअली छोटे बच्चों को नहीं दिया जाता है, कम से कम इसे लेने के लिए 12 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। बाय।